नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम सीएम राज्य शिक्षक चयन परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीएम राज्य की परीक्षा विगत 28 नवंबर 2021 को दो पारियों में आयोजित की गई थी। प्रथम पारी में प्राथमिक शिक्षक के लिए और दूसरी पारी में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक के लिए गणित विषय और पर्यावरण विषय पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम पर्यावरण विषय पर आधारित विषय की जो परीक्षा हुई थी उसमें आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आइए साथियों, देखते हैं परीक्षा में आया हुआ प्रथम प्रश्न। साथियों, परीक्षा में आया प्रथम प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। साथियों, जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। साथियों, दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर है मलखंब। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए की थी? गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए की थी? उत्तर है नमक कानून तोड़ने हेतु। अगला प्रश्न है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। साथियों, पांचवा प्रश्न है, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। साथियों, छठवां प्रश्न है, हाथी के आगे के दांतों को क्या कहते हैं? हाथी के आगे के दांतों को क्या कहते हैं? उत्तर है गजदंत। सातवां प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? उत्तर है तेलंगाना। पहले यह आंध्र प्रदेश राज्य में आता था। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन होने के बाद गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में आता है। आठवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? उत्तर है बालाघाट जिला। साथियों, बालाघाट जिले में मलाजखंड में तांबा की प्रसिद्ध खदान है। नौवां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, उसका सही उत्तर है 14 सितंबर। दसवां प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? उत्तर है सिस्मोग्राफ से। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा पाचक रस बनता है? अमाशय में कौन सा पाचक रस बनता है? उत्तर है जठर रस। बारहवां प्रश्न है, भूटान देश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से मिलती है? भूटान देश की सीमा सर्वाधिक किस राज्य से मिलती है? उत्तर है असम। साथियों, भूटान देश से भारत के किन किन राज्यों की सीमा मिलती है, इसे याद करने की एक ट्रिक है, भूटान के साब, साब यानी कि SAAB, एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से भारत के चार राज्यों की सीमा जो है भूटान देश से मिलती है। तेरहवां प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है?
मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर। चौदहवा प्रश्न है, जलने में सहायक गैस कौन सी है? जलने में सहायक गैस कौन सी है? उत्तर है ऑक्सीजन। साथ ही ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक गैस है। 15वां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है? एशिया महाद्वीप का, सॉरी, इसमें रेलवे नेटवर्क है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश में है? उत्तर है भारत। साथियों, 16वां प्रश्न है, सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। साथियों, अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में फिसल पट्टी में नहीं फिसल सकते हैं, इसका क्या कारण है? अंतरिक्ष में फिसल पट्टी में नहीं फिसल सकते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर है गुरुत्वाकर्षण की कमी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हम अंतरिक्ष में फिसल पट्टी में नहीं फिसल सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीभ में उभरे लाल छिद्रों को क्या कहा जाता है? जीभ में उभरे लाल छिद्रों को क्या कहते हैं? उत्तर है स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। साथियों, 19वां प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? उत्तर है आयरन या लोहा, इस तत्व की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। 20वां प्रश्न है, मलेरिया की परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया के परजीवी की खोज किसने की थी? उत्तर है रोनाल्ड रॉस, अर्थात रोनाल्ड रॉस ने जो है जो मलेरिया का परजीवी था उसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, चींटियाँ किसके कारण लाइन लगाकर या लाइन बनाकर चलती हैं? उत्तर है गंध के कारण। चींटियाँ एक विशेष प्रकार का अम्ल छोड़ती हैं जिसके कारण वे लाइन बनाकर चलती रहती हैं। साथियों, हमें एनवायरनमेंट के इतने ही प्रश्न प्राप्त हो सके हैं। साथियों, आपको बतला दें, ये जो प्रश्न हैं पूर्णतः स्मृति पर आधारित हैं, अध्यापक साथियों से चर्चा कर प्राप्त किए गए हैं। साथियों, ऐसा कोई प्रश्न जो परीक्षा में आया हो और इस वीडियो में शामिल ना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।